प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर कितने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। 500 करोड़ की लागत से बना अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज इसकी बानगी है। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से खोले गए मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था इस कदर है कि मेडिकल कॉलेज के जनरेटर में डीजल तक नहीं है। वहीं सरकार के निर्देश के बाद मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अल्मोड़ा की 6 लाख से अधिक की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है, लेकिन लोगों को बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं से निजात नहीं मिल पा रही है। आलम यह है कि अल्मोड़ा मेडिकल से संबंध बेस अस्पताल में कुछ घंटे बिजली व्यवस्था बाधित क्या हुई, मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं के दावों की पोल खुल गई। अस्पताल में पहुंचे मरीजों और उनके जिम्मेदारों ने बताया कि सुबह जब वह पर्ची काउंटर में पहुंचे तो उनकी पर्ची नहीं बनाई गई, और अस्पताल ने कर्मचारियों से इस बारे में जब पूछा तो उन्होंने जनरेटर में डीजल नहीं होने की बात कह डाली। मरीजों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा। बाद में मरीजों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आनन फानन में डीजल की व्यवस्था की गई, जिसके बाद विद्युत व्यवस्था सुचारू हुई। तब जाकर मरीजों की पर्ची बनाई गई, जिससे दूर दराज से आए मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, जिससे बहुत बड़ी आशाएं यहाँ की जनता को, मैं समझता हूँ पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को थी, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें और यहाँ हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के भी बहुत बार, यहाँ के मंत्रीगण बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हमें देखा जा रहा है कि बिजली, सुबह से बिजली नहीं है, और बिजली नहीं होने पर इनके जनरेटर के लिए तेल की व्यवस्था नहीं है। बहुत ऐसी अन्य मामले में देखा जा रहा है कि कई मरीज को रिफर कर दिया जा रहा है यहाँ पर। अगर सपोज अगर लाइट नहीं होती है तो हमारा जनरेटर चलता है, इस तरह की क्या प्रॉब्लम हुई ये अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, पर ऐसे डीजल की कमी तो नहीं रहती है, हमेशा हमारे पास में रहता है। अब ओपीडी में क्या दिक्कत हुई इसके बारे में मैं अभी पता करूंगा। उसमें थोड़ा सा अभी हमें दिक्कत है, बाकी हमारे सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑर्थो के जो मेजर ऑपरेशन है उसके लिए जो ऑर्थो की हमारी ओटी है वो अभी हैंडओवर होनी है हमें जी। हम लोग करीब 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हैं, और मैं अपनी मम्मी को लेके यहाँ आई हूँ, और हम यहाँ पे जल्दी आ गए कि हमको यहाँ पे जल्दी हम लोग पर्चा लगा लें, और ताकि हमारा फटाफट काम हो सके तो हम वापस लौट जाएं, क्योंकि 2:30 बजे हमारी गाड़ी वापस जाती है। तो यहाँ पे हम जब आए हैं तो यहाँ पे देखने को मिला यहाँ लाइट नहीं है, हमारा पर्चा नहीं कटा। उन्होंने बोला कि आप इमरजेंसी में जाओ, इमरजेंसी में पर्चा काट के आप दिखा लो। इमरजेंसी वालों को दिखाए तो बोलते कि सुई लगा दो, बिना जाँच कराए बिना कुछ कराए सुई लगा दो। उसके बाद वेट किया है बहुत देर तक, तो इनका कोई व्यवस्था नहीं है।